हमारा ब्रह्मांड और हम सब आखिरकार अस्तित्व में आए कैसे, कुछ नहीं से इतना कुछ कैसे बन गया, ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में एक ना एक बार तो आया ही होगा। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या हम अकेले हैं इतने बड़े यूनिवर्स में, क्या हम अकेले रहते हैं। इसी टॉपिक पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसका नाम है एलियन वर्ल्ड्स। अगर हम सिर्फ अपने मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो यहाँ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं, और अगर 1 मिलियन में से एक प्लैनेट में भी लाइफ होगा, इसका मतलब ये है कि उस हिसाब से हमारे पास काफी ऐसे प्लैनेट्स होने चाहिए थे जहाँ पे लाइफ हो। इस यूनिवर्स में कई प्लैनेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई अर्थ से बड़ा होता है, कोई अर्थ से छोटा होता है, कोई अर्थ से ठंडा होता है तो कोई अर्थ से गर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले वीडियो को। अर्थ से 5000 किलोमीटर के दूरी पर एक प्लैनेट है जिसका नाम है एटलस। उसका साइज और ग्रेविटी दोनों अर्थ से दुगनी है। चलिए देखते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स पे लाइफ कैसी होगी। यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ के पेड़ अर्थ के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी सीट्स यहाँ हवा में तैरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जिसके वजह से सीट्स को तैरने का मौका मिल रहा है। और इसी सीट्स को खाते हैं यहाँ के बर्ड्स, जो कि अर्थ के मुकाबले किसी भी बर्ड से बहुत भारी है। ये हवा में ड्रिफ्ट करके उड़ते हैं, जैसे अर्थ पर चील या फिर एल्बेट्रॉस उड़ता है। इससे इनकी काफी एनर्जी बचती है क्योंकि इसके वजह से बार बार इन्हें अपने पंख हिलाने नहीं पड़ते। पर जहाँ शिकार होता है वहाँ शिकारी भी जरूर होते हैं, और यहाँ का शिकारी है एक खास जानवर। ये हाइड्रोजन की मदद से खुद को एक पैराशूट के जैसे फुला लेता है, जिसके वजह से ये हवा से हल्का हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। ये अकेले तो किसी बर्ड का शिकार नहीं कर सकते क्योंकि ये उनसे बहुत छोटे होते हैं, मगर जब ये ग्रुप में मिल जाते हैं तब ये उनका शिकार कर पाते हैं। जैसे कि अर्थ पे एक अकेला वाइल्ड डॉग उतना ताकतवर नहीं होता है, लेकिन अगर वाइल्ड डॉग का पूरा ग्रुप मिल जाए तो वो किसी भी शिकार को कर सकते हैं। जब इन्हें कोई टारगेट मिल जाता है तब ये अपने अंदर के हवा को निकाल देते हैं और एक साथ मिलकर उस पर ऊपर से हमला कर देते हैं। उन बर्ड्स की जान बच जाती है जो कि इन्हें अपने ऊपर से हटा देते हैं और आसमान में और ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर मेल बर्ड्स के पूंछ कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, जिन्हें साथ में लेकर उड़ने में काफी दिक्कत होती है, मगर मेल की पूंछ ही एक फीमेल को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अगर कोई मेल इतने बड़े पूंछ के साथ उड़ पा रहा है तो जरूर ही उसमें बहुत ताकत होगी। अर्थ पे भी ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो फीमेल से थोड़ा अलग दिखते हैं, जैसे कि पिकॉक। जब किसी फीमेल को अंडा देना होता है तब वो आसमान से नीचे उतरती है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ बहुत ज्यादा है तो उसके वजह से वो वापस नहीं उड़ सकती है। इसीलिए कोई फीमेल बस दो ही बार जमीन पे उतरती है, एक बार जब वो पैदा होती है और एक बार जब वो मरने वाली होती है। जब बच्चे अंडों से निकल जाते हैं तब उन्हें बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से छलांग लगाना पड़ता है, जो उन्हें उड़ने के लिए काफी मोमेंटम देगा। मगर यहाँ पर वो अकेले नहीं है, यहाँ पर बिना हड्डी वाले कुछ अजीब से क्रिएचर रहते हैं जो कि अपने प्रे यानी इन बच्चों को अपने अंदर डिसॉल्व करके मार देते हैं। जो बच्चे बचे हैं अब वो उड़ना सीख चुके हैं। अब लास्ट में हमें ये बताया गया है कि अगर एटलस पे कभी भी कोई एस्टेरॉयड गिरेगा तो सिर्फ ये बोनलेस यानी बिना हड्डी के क्रिएचर ही बच पाएंगे, क्योंकि यही है जो कि कुछ भी खाकर जिंदा रह लेते हैं। तो यहीं पे सीरीज का पहला वीडियो खत्म होता है। इसके आगे अभी 3 पार्ट और है जो कि मैं अगले वीडियोस में लाऊंगा। अगर आपको पोकेमॉन्स पसंद है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आप अपने अर्थ के जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट आपके लिए है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।